किसी उसके पहले बच्चा भाई लोग ये है पूरे एकलव्य हॉस्टल श्री श्री दाहोद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दाहोद के। देख लो बाहर से ऐसा सीन है, यहाँ से आती एंट्री, ये है सिक्योरिटी, यहाँ से सिक्योरिटी सब, ये है अपना मेन पैसेज जहाँ से अपनी फुल एंट्री होती है। यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर आता है, आज नहीं है पता नहीं दो तीन दिन चाहिए होंगे नहीं आएंगे। और ये है यहाँ से रूम स्टार्ट होता है, ये 1 2 3 4 5 है सर। यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट था, कोई भी आप गेम में भी खेल सकते हो, ये इतना पूरा ओपन एरिया है। फिर यहाँ से जाओगे तो सामने वो वहाँ पे वॉशरूम है, देख सकते हो ये है पूरा अंदर का। यहाँ पे आता है कूलर, वो वहाँ पे है वॉशरूम। यहाँ से फिर सामने फिर और एक कूलर आएगा, ये है पूरा ओपन एरिया। अब चलते हैं इधर, ये साइड भी एक वॉशरूम होगा, यहाँ पे और एक वॉशरूम। वॉशरूम में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको पता है हॉस्टल में कैसा वॉशरूम होता है, तो वैसे ही वॉशरूम में तो सेम वैसे ही होता है। बाकी अंदर का रूम अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसा है, देख सकते हो। यहाँ से स्टेयर है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे पूरा ऐसा है, यहाँ पे जिम है, लेकिन जिम में भी कोई रिनोवेशन हुआ नहीं, इसलिए कोई है नहीं, इक्विपमेंट कोई अच्छे खासे है नहीं, थोड़े से होंगे वो भी टूटे फूटे। देख सकते हो जैसे दिखा देता हूँ, अंदर जाने का मेरा कोई मूड नहीं है। अब चलते हैं ऊपर, इधर यहाँ पर और वॉशरूम, ये भी इधर वॉशरूम है। ये इलेक्ट्रिक है, यहाँ से पूरा स्टेयर। यहाँ से तो पूरा ऊपर का व्यू देख सकते हो, ये यहाँ से नीचे का व्यू। पर यहाँ पे मेरे को ब्लॉग शूट करते करते मिल गया शिवेंद्र, चलो हॉस्टल का एक ब्लॉग बनाने का बस ऐसे ही। सब जो भी न्यू स्टूडेंट आएंगे ना, 12th एग्जाम खत्म हो गया, थोड़ा सबको अवेयर होना चाहिए कि एकलव्य हॉस्टल हमारी ऐसे। तो यहाँ पे फिल्टर और एक आयो, ये फिल्टर है जो पानी, ये हमारा जतिन झाटू, गजब बेइज्जती है। और एक सामने आओगे, एक मिनट रुक जाइए, ये सामने और ये फिल्टर। सामने अंकित जो कि इस पूरे कॉलेज का टॉपर है, पीछे से क्या नहीं बोला तूने? हेलो, यहाँ पे और एक वॉशरूम है सेम नीचे ही। हेलो, ये होंडा आ जा, हाँ बोल बोलो, तेरा रूम दिखाने का। ये कुछ रूम है ऐसा, और मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि रूम मेरा नहीं है, मेरे सब खो गया, हॉस्टल से एडमिशन कैंसिल हो गया, मैं इस जगह से घूमने आया हूँ। यहाँ से फिर टेरेस है, यहाँ आता है गेस्ट रूम जहाँ पर मैं अभी स्टे कर रहा हूँ, और ये है ओपन टेरेस, ये है गेस्ट रूम। गेस्ट रूम का लुक कुछ ऐसा है। तो यहाँ से टेरेस खुली है, तो टेरेस का भी व्यू दिखा देते हैं। भाई अभी गिरने वाला था, तो अगर ज़्यादा ही गर्मी होता आप देखो इधर भी कोई निठल आके सो जाते इधर, तो इधर भी आप सो सकते हो। ये है पूरी टेरेस, वो सामने दे दीजिए हॉस्टल, देख सकते हो कैसा ही व्यू आता है इधर टेरेस से। और टेरेस खुली होती है जब तक कोई, अगर आप बवाल बवाल ना करो, कोई यहाँ पे डैमेज वेमेज ना करो, तब तक टेरेस खुली होती है। अगर पता चला सर को कि कुछ डैमेज वेमेज कर दिया है, तब टेरेस हो जाती है लॉक। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, मस्त व्यू आता है, और सनसेट देखने का तो और ही मज़ा आता है, इधर सबको क्या ही सनसेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे सब इधर ही सो जाते हैं गर्मी में। तो अब चलते हैं, रूम दिखा देता हूँ, इसलिए ख़त्म हो जाए अपना ब्लॉग। कोई मेरे को जाना है बैडमिंटन भी खेलने, बैडमिंटन का भी कोर्ट है इधर एडमिन ब्लॉक में है अपना, जो रूम में आप साइकिल भी रख सकते हो। और ये है पूरा रूम, ये भी ऐसा है क्योंकि यहाँ पे कोई हिरने वाला है नहीं, अभी आपको 3 बेड मिलेंगे, एक रूम में 3 बेड और गद्दे वद्दे देते हैं,
फिर आपके ऊपर है कि आप कितना रूम को सजा कर रखते हो, वरना फिर ऐसे आउट रूम का आउटलुक है पूरा। साइकिल अंदर लेके नहीं आने देते, लेकिन यहाँ पे कोई रूम में है नहीं, इसे साइकिल वाइकल सब इधर ही रख दिया। ये है रूम, गद्दे वद्दे सब देते, 3 चेयर देते, 2 टेबल देते, यहाँ पे पर्सनल लॉकर अपने सबका है।